स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज आपके लिए काफी शानदार लग्जूरियस 90 गज में बना हुआ शानदार विला लेके हैं, जो कि हमारा अजमेर रोड KDS पंचवटी में होने वाला है। अगर आपने 200 फीट बाईपास देखी हो तो उसके पास में जो हमारी KDS पंचवटी नाम से कॉलोनी है, उधर जो है हमारी गेटेड सोसाइटी में ये हमारे विला होने वाले हैं, जो कि लगातार हमारे टोटल 5 या 6 विला लगातार बने गए। टोटल ये जो सारे विला ये 90 गज बने गए, 16.5x47 स्क्रीन की डायमेंशन है। 3 BHK में हमारे विला होने वाले, ईस्ट फेसिंग में 80% होने वाले हैं और पानी बिजली सभी की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, JDA अप्रूव्ड है। और क्या चाहिए भैया, प्राइस मैं आपको बताऊँ तो 72 लाख रुपये ये हमारी प्राइस होने वाली है। और आसपास का ही मैं यहाँ पर आपको नजर दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर खूब सारे जो मकान बन रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो चुकी है और मेन रोड से एकदम पास में ही है, मतलब जो हमारा मेन हाईवे ना उससे मुश्किल से 50 मीटर की डिस्टेंस पे हमारे जो विला है। और देखिए आप विला का हमारा फ्रंट एलिवेशन कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो हम अगर आगे चल ले तो यहाँ पर आपको जो काफ़ी अच्छा खासा 16.5 का फ्रंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आप अगर स्पेस भी देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है, जहाँ पर आप अपनी जो कोई भी छोटी गाड़ी जैसे स्विफ्ट हो गई या अल्टो हो गई यहाँ पर आप इजीली खड़ी कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो वुडन टेक्सचर में यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा। उसके बाद हम अगर आगे चलें तो यहाँ पर हम एंटर हो जाते हैं हमारे विला में। तो देखिए एंट्री होते ही तो यहाँ पर आपको जो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो लिविंग स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आपको जो काफ़ी अच्छा खासा इंटीरियर का काम करके दिया गया। यहाँ पर आपको जो वॉलपेपर आगे दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी खासी सजावट की गई है। देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको जो TV पैनल मिल जाता है, इधर आपको जो CD मिल जाती है, इधर आपको जो एक बेडरूम साथ में एक जो है वॉशरूम मिल जाता है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो काफ़ी सुंदर फॉल सीलिंग का काम जो करके दिया गया है। और फैंस आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो काफ़ी डिज़ाइनदार फैंस भी यहाँ पर आपको जो लगा के दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं हमारी किचन में, जो कि मेरी एंटी की जस्ट साइड में ही है। तो देखिए कुछ ऐसी जो हमारी किचन है, यहाँ पर आपको जो लगभग एल शेप की यहाँ पर आपको जो है किचन मिल जाएगी, जो कि हमारी फुल्ली मॉडर्न हमारी किचन होने वाली है। साथ में यहाँ पर आपको जो पूरा टाइल्स का वर्क मिल जाता है और यहाँ पर जो पूरी सूर्य की रोशनी आती है। और आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो फॉल सीलिंग का मिल जाता है। किचन के बाद अब चलते हैं हम हमारे पहले बेडरूम में। तो देखिए कुछ ऐसा जो है हमारा पहला बेडरूम यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, ठीक है। साथ में वॉलपेपर का यहाँ पर आपको काम कर दिया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर है, वैसा मुझे फॉल सीलिंग काम इतना सुंदर है, वैसा मुझे देखते पसंद आया। साथ में आपको जो वार्डरोब आगे दी गई है, साथ में यहाँ पर आपको जो बैक का भी जो पीछे का स्पेस है वो दिया गया है, साथ में अटैच वॉशरूम भी यहाँ पर आपको आगे दिया गया है। और देखिए यहाँ पर आपको जो LED पैनल के लिए जो है जगह मिल जाती है, साथ में जैसे मैंने आपको बताया वार्डरोब यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा अटैच वॉशरूम। तो देखिए कुछ ऐसे जो हमारा अटैच वॉशरूम है, अभी यहाँ पर जो लाइट लगा के नहीं दी गई है, इसलिए जो कुछ अंधेरा यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेशियस टाइप का यहाँ पर जो है हमारे वॉशरूम में होने वाले हैं। और वॉशरूम के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको जो एक बैक स्पेस दिया गया, जहाँ पर आप अपना जो है वॉशिंग एरिया या फिर कुछ भी जो है यहाँ पर आप बना सकते हैं। देख लीजिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो स्पेस दिया गया। तो ये तो हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। तो देखिए कुछ ऐसी जो हमारी सीढ़ियाँ यहाँ पर आपको जो स्टील की रेलिंग ला के दी गई है, और सीढ़ियाँ भी देखिए वैसा कितनी अच्छी फिनिशिंग में यहाँ पर आपको जो सीढ़ियाँ दी गई है, देखने में जो काफ़ी सुंदर लग रही है सीढ़ियाँ। तो अब हम आ गए हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। तो देखिए कुछ ऐसा जो है यहाँ पर आपको लिविंग स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो फॉल सीलिंग काम मिल जाता है, वॉलपेपर काम मिल जाता है, साथ में इनके जो आस मतलब जो आमने सामने यहाँ पर आपको जो बेडरूम मिल जाता है, जो कि हमारे 2 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर है और एक नीचे, तो टोटल हो गया 3 BHK। तो अब लेके चलता हूँ आपको हमारे सेकेंड बेडरूम में। तो देखिए कुछ ऐसा जो हमारा सेकेंड बेडरूम यहाँ पर आपको दिखाई देता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है भाई साहब। यहाँ पर आप अपना जो एक बेड भी लगा देंगे तो भी जो है काफ़ी अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर आपको जो मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पर आपको जो LED पैनल की जगह छोड़ी गई है, वॉलपेपर काम है, नीचे पूरा जो टाइल्स काम है, साथ में इधर आपको जो एक वार्डरोब और LED पैनल यहाँ पर आपको जो लगा के दिया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग का आपको काम मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। एक फैन लगा के दिया गया है और साथ ही में यहाँ पर भी आपको जो एक बैक स्पेस दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर आपको अटैच वॉशरूम दिया गया है, जो कि जो कुछ ऐसा जो हमारा अटैच वॉशरूम होने वाला है, यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर में टाइल्स की फिनिशिंग यहाँ पर आप जो करके दी गई है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और अटैच वॉशरूम के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको मिल जाता है हमारा बैक स्पेस। तो देखिए कुछ ऐसा जो हमारा बैक स्पेस है, जहाँ पर आपको जो वेंटिलेशन का पूरा काम करके दिया गया है, नीचे आपको जो टाइल्स की फ्लोरिंग मिलती है, और यहाँ पर आप अपना जो वॉशिंग एरिया या कुछ भी जो है पूजा रूम कुछ भी यहाँ पर आप जो है बना सकते हैं। सेकेंड बेडरूम के बाद अब चलते हैं हम हमारे थर्ड बेडरूम में। तो देखिए भाई साहब कुछ ऐसा जो हमारा थर्ड बेडरूम दिखाई देता है, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। तो ये वो यार बाकी दोनों से काफ़ी बड़ा सा है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना जो एक LED पैनल लगा के दिया गया, साथ में वॉर्डरोब लगा के दी गई। ऊपर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग काम है, साथ में वॉलपेपर का काम भी यहाँ पर आपको जो
करके दिया गया है। साथ ही में अटैच वॉशरूम भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो देखिए कुछ ऐसा जो हमारा अटैच वॉशरूम दिखाई देता है। और हमारे वॉशरूम के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको मिलती है हमारी अटैच बालकनी। तो देखिए अगर हम चलते हैं हमारी बालकनी में, तो यहाँ पर भी आपको जो काफ़ी बड़ी सारी मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, नॉर्मल साइज की यहाँ पर आपको जो बालकनी दी गई है, जहाँ पर आपको जो टाइल्स कवर की गई है, साथ में टफन ग्लास की रेलिंग लगा के दी गई है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक छोटा सा टिकमू सा यहाँ पर जो आपको फैन लगा के दिया गया, साथ में यहाँ पर आपको जो वुडन फिनिशिंग में आपको काम करके दिया गया है। और देखिए हमारी बालकनी में ऐसे नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। और हमारे विला के आगे 30 फीट की यहाँ पर ये हमारी रोड होने वाली है, जो कि हमारी जो है सीधा कनेक्ट करती है हमारे अजमेर रोड हाईवे को, जो कि हमारे 50 मीटर की डिस्टेंस हुई है। तो मतलब आपको जो लोकेशन एकदम बेशक शानदार मिल रही है एकदम। तो इस फ्लोर के यहाँ पर आपने जो हमारे दोनों बेडरूम तो देख ही लिया, अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारी छत जो कि जो काफ़ी सुंदर होने वाली है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी छत की तरफ। तो अब हम आ गए हमारी छत की तरफ। तो देखिए कुछ ऐसी जो हमारी छत होने वाली है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आपको जो है चार कुर्सियाँ भी लगा के दी गई है, और देख लीजिए काफ़ी अच्छी खासी स्पेशियस यहाँ पर आपको जो है छत मिलने वाली है। तो देखिए कुछ ऐसे हमारी जो छत है, तो देख लीजिए हमारी जो छत का बैक वाला साइड है, कुछ ऐसे जो है हमारे दिखाई देता है। तो अब हम आ गए हमारी छत की फ्रंट साइड की तरफ। तो देखिए कुछ ऐसी जो हमारी फ्रंट साइड दिखाई देती है हमारी छत की। तो यहाँ पर मैंने आपको जो हमारा पूरा विला दिखा दिया, तो कैसा लगा आपको विला प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।